साथी स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल देसी जमींदार पे। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एक एकड़ में तार बंदी का टोटल खर्चा कितना आता है, तार का कितना खर्चा आता है, एंगल का कितना आता है, लेबर खर्च कितना है और टाटा का तार इतना महंगा होने के बाद भी आपको सस्ता कैसे पड़ता है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान बनाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। किसान साथियों, आज के वीडियो में हम तारबंदी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो इससे पहले तारबंदी जो है उसमें सबसे पहले आपको एंगल का सिलेक्शन करना होता है, जो ज़मीन में आपको एंगल गाड़ने हैं कौन से एंगल खरीदें। तो किसान साथियों, हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप GI मतलब जो गैल्वनाइज्ड की जिस पे परत चढ़ी हुई होती है, टावर की खुली हुई सेकेंड हैंड एंगल्स होती हैं, आप उनको इस्तेमाल करें क्योंकि उन पर कभी भी रस्ट नहीं लगता। तो सबसे पहले आपको एंगल का सिलेक्शन करना है। एंगल के सिलेक्शन के लिए आप मार्केट में जाएं और लोहे वाली जो कबाड़ी की दुकान होती है वहाँ से आप एंगल खरीद सकते हैं। एंगल खरीद के वहाँ से आप लें और एंगल खरीदने के बाद या तो आप एंगल वाली जो होते हैं उन्हीं से बात करें कि इनमें होल करने के लिए वो मतलब कहाँ पे रिकमेंड करेंगे। उनके आसपास अगर कोई दुकान है तो वो अपने आप भेज देते हैं होल करवाने के लिए भी। आप उनको बोलेंगे तो वो अपने आसपास कहीं पर भी होल करवा देंगे। तो होल करवाने के बाद सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लें कि कितने बाई कितने पे आपको तार लगाना है, कि अगर तार आपको एक एक फुट पे लगाना है तो आपको होल भी एक एक फुट पे करवाने पड़ेंगे। उसके बाद आप जब दुकान पे पहुँचते तो दुकान वाले को बोलें कि जो होल है वो बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे ही होने चाहिए। ड्रिल की मदद से आप होल करवाएं। वेल्डिंग से अगर आप होल करवाएंगे तो वहाँ से जहाँ से वेल्डिंग होगी वहाँ से गर्म होकर जो GI की लेयर है, जो परत है, वो उतर जाती है। फिर उस एंगल का कोई महत्व नहीं बचता GI का, क्योंकि उसके ऊपर से परत उतरने के बाद अगर उसके ऊपर रस्ट ही लग जाएगा तो फिर उस GI एंगल लेने का कोई फ़ायदा नहीं। तो आप ड्रिल से होल करवाएं। ये जो एंगल्स हैं ये हैं 2 इंच की और 3 सूत की हैवी एंगल, और ये हैं इनसे थोड़ी सी हल्की। इनमें जो तार टाइट किया जाओगा वो हर 14 इंच पर तार टाइट है। जो ज़मीन से जो पहला लगेगा वो 1 फुट पे है, बाकी सारे होल 14-14। हमने जो कोने पर लगने वाली एंगल हैं वो 4 फुट गहराई में गाड़ी हैं और जो बीच में लगेंगे सपोर्ट के लिए उनको 3 फुट गाड़ा है ताकि तार है वो झूले ना और स्ट्रेंथ मजबूती बनी रहे। किसान साथियों, अब बात करते हैं कि आपको एंगल लगाते टाइम किन किन औजारों का इस्तेमाल करना होता है। तो आपको एक लेवलर होना चाहिए आपके पास, दूसरा आपके पास फीता होना चाहिए मेजरिंग टेप, तीसरा आपके पास सिरिया होना चाहिए जो मसाला डालोगे उसको अच्छे से नीचे तक पहुंचाने के लिए, एक हथौड़ा होना चाहिए रोड़ी वगैरह फोड़ने के लिए, एक आपके पास करनी जो कि मसाला डालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके साथ जब आप होल करो तो आपके पास बांस बोकी हो या तो, या फिर आपके पास जो पोस्ट होल डिगर मतलब जो गड्ढा खोदने वाली मशीन होती है, ड्रिल मशीन टाइप की जो आती है इंजन वाली, वो होनी चाहिए आपके पास। तो किसान साथियों, आपको जो कॉर्नर्स वाले एंगल हैं वो हैवी गाड़ने होते हैं क्योंकि सारा जो वेट है वो वही झेलते हैं। तो इसलिए आपको कम से कम भी 4 फिट का जो है वो कॉर्नर वाले एंगल्स आप ज़रूर गाड़ें। जो हमने जो कॉर्नर के एंगल लिए हैं वो 3 सूत के और 2.5 इंची के करीबन के एंगल हैं, वो हैवी एंगल्स हमने कॉर्नर पर लिए हैं और उनको 4 फिट नीचे तक गाड़ा है। तो उसके लिए हमने जो बांस बोकी का इस्तेमाल किया है तो हमने 4 इंच की बांस बोकी से होल बनाए हैं। 4 इंच की बांस बोकी से लगभग 6 से 7 इंच का होल बनता है। अब कई किसान भाई सोच रहे होंगे कि 4 इंच से 6 से 7 इंच का होल कैसे बनता है। तो किसान साथियों, जितनी बार भी हम बोकी को नीचे पटकते हैं ऊपर से तो वो हर बार सेम जगह पे आप एक उसको नहीं रख सकते, हर बार वो थोड़ी बहुत इधर उधर फ्लक्चुएट करती है जिसकी वजह से जो होल का साइज़ है वो चेंज हो जाता है। तो हमने इसको जो कॉर्नर वाले एंगल हैं उनको लगभग 4 फुट तक गहराई तक गाड़ा है ताकि जो मजबूती है वो उन्हीं के ऊपर बनी रहे और तार हमारा कभी भी झूले ना। हमने इसके ऊपर सिंपली जो किसी मार्कर या किसी भी आप चीज़ से निशान लगा सकते हैं, हमने सिंपल जो पत्थर होता है उससे निशान लगाया है ताकि ईजिली मेज़र हो सके। तो अब आपको बार बार इस पे करने की ज़रूरत नहीं है और जैसे ही आपका होल कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको मसाला तैयार करना। मसाले के लिए हमने क्या किया, 3 तसले जो है वो क्रेशर के लिए हैं, 1 तसला हमने रोड़ी का लिया है और 1 तसला लिया सिमट का, मतलब इसको 4 एक का हमने जो मसाला है उसको तैयार किया है। इसके अंदर फिर हमने पानी डाल के और कसी से काट लगाई है। उसके बाद हमने जो एंगल है एंगल को उस होल के अंदर खड़ा किया। अब ये मसाला इसके अंदर डाला जाएगा और मसाला डाल के अब इसके लेवल करने के लिए कि ये एंगल ऐसे सीधी है, ऐसे सीधी है, सारे इसके एंगल मेंटेन करने के लिए इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें जो बबल है ये जब बीच में आ जाता है तो एंगल सीधी हो जाती है। ये साइड का चेक करने के लिए और ये एक एंगल पे चेक करने के लिए ट्रिपल
ट्रिपल लेवलर है ये। ये हैवी वाली जो एंगल है ये 4.25 फुट गाड़ी है, और ये नीचे डालते हैं ताकि एंगल नीचे की तरफ ना डिसके, तो उसके लिए ये रोड़े हैं ये नीचे डाले जाते हैं। ये कॉर्नर वाली 3 सूत की हैवी एंगल है, और हर कोने पे पहले इनको गाड़ते हैं ताकि ये सूख जाए और तार का जो लोड है ही नहीं पे आएगा। हर 14 इंच पे इसमें 5 तार का जो है ये 5 तार लगेंगे, हर 14 इंच पे लगभग 1 तार। ज़मीन से जो पहला तार है वो 1 फुट पे है, उसके बाद सारे तार 14-14 इंच पे हैं। एंगल जब पूरी फिलअप हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि जो लेवलर है इसको लगा के और लेवल चेक किया जाता है। ये इस साइड से एंगल जो है ये बीच में है बबल जो, और जब इस साइड से लगाते हैं तो ये भी जो ये मार्क लाइन है इसके बीच में है, तो इसका मतलब एंगल जो आपकी है वो सीधी लगी है। तो दोनों साइड से इसका लेवल चेक करके और फिर एंगल को नीचे से परमानेंट कर दिया जाता है। कॉर्नर का एंगल था ये हमने सुबह लगा दिया था, इसके अकॉर्डिंग जो बाकी के एंगल्स हैं जो वो सब कंप्लीट हो चुके हैं इस साइड के। अभी जो तार हैं वो तार खींचेंगे कल, क्योंकि अभी एंगल सेट नहीं हुए हैं। नया मसाला डाल दिया है इनके अंदर, पूरे लेवलिंग के साथ इनको सेट किया गया है अगर आप देखोगे तो। और ऐसे ही उधर वहाँ पे अब इसके अंदर 5 तार लगाए जाएंगे। 5 तार के लिए एक ड्रिल से यहाँ पे होल करवाया था जो हमने आपने देखा था, एक यहाँ पे करवाया था, एक ये करवा रखा है, एक ये करवा रखा है। हर 14 इंच मतलब पहला होल है वो हमने 12 इंच पे लिया है, उसके बाद हर 14 इंच पे 5 होल है, तो 5.5 फिट के करीबन ये जाएगा नीचे से। ये हैवी वाली एंगल जो हमने लगाई थी वो वाली है। और अगर आप देखेंगे लेवल का तो ये देखो, आपको एक एंगल के बाद बाकी के एंगल्स हैं वो दिखेंगे नहीं, एक ही एंगल दिखेगी आपको, बाकी के एंगल दिखेंगे नहीं। ये देखो ये लेवलिंग है बिल्कुल एक्यूरेट, ये देखो। और अगर आप ऐसे करके देखो ये देखो कितने एंगल्स हैं, ये देखो। तो ये लेवल है, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से लेवल किया जाता है ताकि जो तार है उसकी खिंचावट अच्छी रहे और जो तार में झुर्रियाँ ना पड़े, मतलब वेव जो होती हैं वेव लहर ना बने, तार बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रहे, सीधा खींचे, सीधा रहेगा तो अच्छा खींचेगा। बीच में से अगर बेंड करेंगे तो आपका जो एरिया है वो भी ख़राब होगा, क्योंकि जितना आप अंदर लगाएंगे अपने एरिया की तरफ टेढ़ा मेढ़ा होगा तो एरिया आपका जो ज़्यादा वेस्ट होगा। तो आप इसको बिल्कुल सही सीधा एक सूत जिसको बोलते हैं, एक सूत भी इधर उधर कोशिश करें कि एक सूत के अंदर ही रहे, मतलब 2 से 3 mm मैक्सिमम। आप ये देखो इधर का मैं दिखाता हूँ, ये देखो इस एंगल ये है और ये है, ठीक है। ये करने के बाद आपको कोई एंगल नहीं दिखाई देगी, आप इसमें से देखेंगे तो आपको अगली नहीं दिखाई देंगी, और जब थोड़ी से आओगे साइड में तो आपको सब दिखाई देंगे। तो ये भी ऐसे ही लगाई गई है। इनका जो डिस्टेंस है, ये हैवी एंगल है काफ़ी, तो इनका डिस्टेंस है वो 27 फीट रखा गया तार के लिए। 20 फीट भी रखते हैं, 25 फीट भी रखते हैं, एंगल्स कितनी गाड़ी गई हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ज़मीन कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी गाड़ी गई हैं और कैसी ज़मीन है। अब ये हमने 3-3 फीट गाड़ी हैं, जो कॉर्नर पे लगी हैं वो 4-4 फीट गाड़ी हैं, तो इनका डिस्टेंस वो 27 तक बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं। आप कितना भी तार है वो उसको सॉलिड तरीके से खींच सकते हैं। किसान साथियों, अभी ये तार बंदी की प्रोसेस है, ये चालू कर रखी है, तो जो सिंगल एक तार है वो बांधना शुरू कर दिया है। तो आप देखेंगे कि एक तार वो बिल्कुल सीधा बंधा हुआ रहा है, कहीं से इसके अंदर कोई बेंडिंग वगैरह कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसकी जो बाइंडिंग है वो डबल वायर के साथ में कर रखी है इन्होंने, तो जो बाइंडिंग है वो आपकी जितनी मज़बूत रहेगी और जो बांधने वाले जो तार है वो जितना मज़बूत होगा ना उतनी इसकी लाइफ ज़्यादा होगी। आप लोग क्या करते हैं कि जी तार सब कुछ अच्छी क्वालिटी का ख़रीद लिया, बांधने वाला तार है वो सस्ती क्वालिटी का खरीदा, इससे तो बांधना ही है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अगर बांधने वाला तार ही जल जाएगा, रस्ट लग जाएगा इसके ऊपर, तो ये टूट जाएगा तो सारा तार कहाँ जाएगा, सारा तार लूज होके नीचे गिर जाएगा, तो जो आपका सारा काम है वो वेस्ट हो जाएगा। तो आपको इस तार के साथ साथ, मतलब ये तार तो आपको बढ़िया लेना ही है, मैंने ये टाटा का तार यूज़ किया है,
ये तो आपको बढ़िया लेना है। साथ में जो ये वाला वायर बांधने वाला जिससे हमने इसको बांध रखा है, ये भी टाटा का ही लेना है आपको, क्योंकि इसके ऊपर भी रस्ट नहीं लगता। ये जो वायर की क्वालिटी है बहुत अच्छी है। तो अब इसको बांधने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, आप उधर देख पा रहे होंगे कि इसको एक बार खींच के, और एक बार में ये ढीला बंधेगा स्टार्टिंग में, इसको खींच के वहाँ पे वो उसको सिंगल टाइम में बांध देंगे। उसके बाद जो एक डाई है हमारे पास, उस डाई की सहायता से हम इसको प्रति पोल के हिसाब से खींचेंगे, और ये फिर उसके बाद कुछ ऐसा स्ट्रेट खींचेगा। ये देखो ये इधर अभी काम चल रहा है, तो अभी नीचे से ढीला पड़ा हुआ तार है, उसके बाद जैसे ये खींचा हुआ स्ट्रेट वैसे पूरा स्ट्रेट सीधा और पूरा टाइट खींचेगा। आप तार को देख पा रहे होंगे, तो ये देखो पूरा टाइट, और ये कभी नहीं हिलेगा। एंगल देखो, एंगल के ऊपर कितना लोड है, लेकिन एंगल के आसपास भी अगर आप देख रहे हैं कोई क्रैक वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि एंगल है ही इतनी मजबूत। सॉलिड एंगल अगर आप लगाओगे तो कुछ भी हिलेगा नहीं, लाइफ है वो बहुत अच्छी रहेगी। अब जो देख पा रहे होगे आप, लगभग पीछे का जो वायर का टाइट है वो पूरी हो चुकी, और अब इसमें डाई लगा के वायर को पूरा कसने की तैयारी चल रही है। ये देखो आप, ये प्लायर की सहायता से अब इन्होंने वायर पहले ही काट के और छोटे कर रखे हैं। एक वायर निकाल के और इसके अंदर ही क्रॉस करके ये निकाले सेफ्टी से। इसको ऐसे घुमा के और प्लायर से लॉक कर देंगे। ये प्रोसेस है वायर को टाइट खींचने का। अब आप देख पा रहे होंगे जो तार है वो बिल्कुल सीधी खींची है पीछे तक की। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं कि टाटा का वायर हमें सस्ता कैसे पड़ता है। तो किसान साथियों सिंपली बात करते हैं, टाटा का एक जो बंडल है वो 26 किलो का होता है, आपको 100 से 102 रुपए किलो के बीच में आपको तार मिल जाता है। मुझे मिला है वो 100 रुपए किलो मिला है, 2670 रुपए का मुझे एक बंडल मिला है। एक बंडल में 1000 मीटर के करीबन 950 से ऊपर तार निकला है, आप 950 ही मान लीजिए, तो मुझे 2.80 रुपये प्रति फुट के हिसाब से मुझे तार पड़ा है। अगर आप यही तार लोकल किसी कंपनी का लेते हैं तो आपको 80 से 90 रुपये किलो के हिसाब से तार मिलेगा। उस तार की लाइफ है वो इससे कम होगी, 80 से 90 रुपये किलो के हिसाब से आपको एक बंडल 30 किलो का पड़ेगा। 30 किलो का आप 80 के हिसाब से लगाइए तो 2400 रुपये का बंडल आपको पड़ा, आपको पैसे का फ़र्क हुआ 270 रुपये का, लेकिन आपको उसमें 800 फिट तार मिलेगा। 800 फिट तार मतलब एक फुट तार आपको 3 रुपये का पड़ा, और टाटा का जो फुट के हिसाब से अगर आप एवरेज निकालते हो तो 2.80 रुपये का। तो अब आप ही सोच लीजिए कि आपको किफ़ायती कौन सा पड़ा। दूसरा क्या है कि जो दुकान वाले होते हैं आपको कभी भी पहले टाटा का तार नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कंपनी के तार में क्या होता है मार्जिन कम होता है, इसलिए वो क्या करते हैं लोकल तार दिखाते हैं अच्छा मुनाफा कमाने के लिए। किसान भाई को पता नहीं होता है, इसलिए जो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ ये किसानों को ये बताने के लिए डाल रहा हूँ कि आप टाटा का तार आपको सस्ता पड़ता है, इसलिए आप अपने खेत में टाटा का तार ही इस्तेमाल करें। ये जो चैनल के ऊपर वीडियो है ये मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट या किसी से पैसे लेके नहीं बनाया, ये मेरे पर्सनल रिव्यू हैं। मैंने अपने तार अपने खेत में जो तार लगाया है वो टाटा का ही इस्तेमाल किया है, और ये जो वीडियो डाल रहा हूँ ये मेरे ही खेत के। बहुत से किसान भाई जो कमेंट करते हैं कि ये तो ये शॉप वाले, मुझे शॉप से कोई मतलब नहीं है, जो मैं डिटेल्स डालता हूँ वो अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग डालता हूँ, जो कुछ सीखा है वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो कुछ मैंने देखा है वही चीज़ें मैं अपने वीडियो में है वो एक्सप्लेन करता हूँ। किसान साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो इसके जो 5 तार थे वो पांचों के पांचों जो हैं पूरे टाइट हो चुके हैं तरीके से, और आप अगर देखेंगे दूर तक तो इनके बीच में जो गैप है वो बिल्कुल बराबर गैप है, और जो इनकी स्ट्रेटनेस मतलब जो इनका सीधापन है वो बहुत तरीके से बिल्कुल मेंटेन्ड है। और आप अगर यहाँ से इसके तार की टाइटनेस देखेंगे तो ये देखो बिल्कुल बहुत अच्छे से इसको टाइट किया गया है, ट्रिपल डबल लेयर से जिस तार से हमने टाइट किया वो भी टाटा का ही है। तो इसके टाटा का कैसे पता चलता है कि ये तार टाटा का है, तो इसके ऊपर है ना हर थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर टाटा लिखा हुआ है, जैसा कि आपको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये वायर के ऊपर टाटा लिखा हुआ है, हर फिट 2 फिट के बाद में ये वायर के ऊपर टाटा लिखा हुआ, और जिस वायर को हम बांध रहे हैं जो ये बांधने वाली वायर है इसके भी हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे टाटा लिखा हुआ है। तो टाटा के तार की और जो जाली है उसकी ये खासियत है कि उसके ऊपर पूरे पे टाटा टाटा लिखा हुआ होता है, और किसी भी जाली में ये चीज़ें लिखी हुई नहीं आती। किसान साथियों, अगर आप बात करें हम टोटल कॉस्टिंग की तो लगभग मुझे ये 1 एकड़ का जो सामान है, एंगल मुझे
₹48 केजी आंसी से मिले हैं, और जो तार है ये मुझे ₹100 किलो आंसी से ही मिला है, और जो दुकान है वो बरसी गेट के सामने दुकान है, दुकान की मेरे को डिटेल्स पता नहीं है, आप बरसी गेट के सामने पता करेंगे लोहे की दुकान मिल जाएगी, 2-3 दुकान आप उनसे बार्गेनिंग करके ₹105 बोला था एक ने, तो दूसरे से जब मैंने बार्गेनिंग की तो उसने मुझे ₹100 किलो के हिसाब से जो टाटा का तार है ये दे दिया, और एंगल उन्होंने 50 बोली थी और मुझे बाद में ₹48 के हिसाब से पड़ी हैं। अब बात करते टोटल कॉस्टिंग की, तो टोटल कॉस्टिंग है वो 6 बंडल मैंने तार के लिए थे और 30 मैंने एंगल ली थी, टोटल ₹33,500 का ये वाला सामान था। उसके अलावा मैंने 4 कट्टे सीमेंट के लिए थे, 1.5 मेरा तार का बंडल बच गया और 1.5 कट्टा सीमेंट का बच गया, 2.5 कट्टे सीमेंट के लगे ओनली, 20 जो तसले थे वो रोड़ी के थे और 40 तसले जो थे वो क्रेशर के थे। जो ये है ये गेट बनाया इन्होंने जो आदमी है वो क्रॉस निकलने के लिए, जानवर ना घुसे इसलिए इसकी जो विड्थ था वो कम रखी है और ऊपर नीचे तार लगाया है। तो टोटल जो कॉस्टिंग है वो ₹10,000 लगाने का खर्चा था, ₹12 रनिंग फिट के हिसाब से, और जो तार एंगल और लेबर खर्चा अगर टोटल की हम बात करें तो ये मुझे ₹45,000 एक एकड़ का खर्चा पड़ा है, ₹45,000 में मेरा कंप्लीट काम हो गया है। अगर कोई भी हरियाणा का किसान ऐसा काम करवाना चाहता है तो मैं उनको जो जिनसे मैंने काम करवाया कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन है जो नीचे उसमें भी डाल दूंगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके अपने खेत का बैरिकेटिंग से लेकर बागवानी तक का सारा काम करवा सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे से पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।